कल 9 अप्रैल शनिवार रात 8 बजे से शुरू होगा लक्स डीआईडी डबल्स का फिनाले, जिसकी तैयारी में जुटे हुए हैं लोग। और कल इंडिया को मिलेंगे सबसे बड़े डांसिंग डबल। आज हम टेक्निकल करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि सब सही तरीके से हो जाए, ताकि कल जो ग्रैंड फिनाले जिसके लिए हम इतनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, कल कुछ गलत ना हो जाए। बेसिकली आप देख रहे हो कि इतने सारे लेबर्स काम कर रहे हैं, जो कि दिन रात मेहनत करते, सोए नहीं है कोई कोई तो। जो उन लोग करना चाहते हैं वो हम लोग के जरिए लोगों तक पहुंचता है। हम लोग करीबन 20 कैमरे के साथ ये शूट कर रहे हैं, हर एंगल से कैमरा लगाए, चारों के चारों एक से एक बढ़ के हैं। लेकिन जो जीतेगा वो दुनिया का पहला डांसिंग डबल सुपरस्टार कहलाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है जय भानुशाली, जैसे आप जानते हैं, और हम हैं लक्स डीआईडी डबल्स के फिनाले के एक दिन पहले। यस, अभी देख सकते हैं आप रिहर्सल्स कर रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट, कितना जोश है यहाँ पर। यहाँ पे हर एक क्षण यहाँ पे जो है प्रेजेंट, सबके सब बहुत एक्साइटेड है। आइए आपसे कुछ मुलाकात कराते हैं। और क्या बात है, तो देखिए आपके लिए कैमरा यहाँ तक आ गया है। क्यों है? अच्छा, कैसा लग रहा है, लाइक यू नो, फिर से एक और शो, फिर से एक और शो की समाप्ति हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ बताइए ना, फाइनली पेमेंट मिलने वाली है। ओह माय गॉड, चलो एक तो मुझे मिला है, यू नो, इस सेट पे जो मुझे मिस करने वाला है इस शो के बाद। मैं सिर्फ इसे मिस करूंगी, मैं और किसी को मिस नहीं करूंगी। मैं थक चुकी हूं, जाए मुझे घर, चलो। मैं नहीं करूंगी, और मैंने प्रॉमिस नहीं करूंगी। प्रॉमिस नहीं करोगी ना? हां प्रॉमिस नहीं करूंगी। क्या प्रॉमिस? प्रॉमिस नहीं करूंगी। चलो एक काम करते हैं, एक 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 गेस कर लो। चलो मैं थोड़ा बहुत एक गेसिंग गेम खेलते हैं। आजकल देख रहे हैं कि यू नो क्रिकेट तो सवाल पूछेगा। हाँ, क्रिकेट का यू नो, हाँ क्रिकेट का यू नो ये खेल चल रहा है, बैटिंग चल रही है क्रिकेट में भी, तो हम यहाँ पर भी बैटिंग करते हैं। पूछते हैं इनसे, आप किसके ऊपर बैटिंग करना चाहते हैं? अपने आप पे। नहीं, लेकिन बताइए कौन सा वो कंटेस्टेंट है जिसे आपको लगता है कि वो उसके ज्यादा चांसेस है जीतने के? मेरे। आप मतलब आपकी टीम में तो सिर्फ एक ही है? हाँ, तो कौन है सोनाली? Yes. आप ये कहना चाहते हैं कि कौन है सोनाली? अभी ये स्टेज पे आके मैं क्यों और किसी की चीज के लिए गेस करूं? मैं सिर्फ विश और होप और प्रे कर सकती हूँ। हाँ. सिर्फ मेरे कंटेस्टेंट जीतेंगे। चलो मैं भी इस पे लगाता हूँ 100 रुपए। 100? ये देखो चिंदी चोरी, इसकी कभी नहीं जाएगी। क्या कह रहे कि पैसे आप कमा रहे शो में, मैं तो साले यहाँ पे चिल्लर कमा रहा हूँ। करेक्ट है, तुम्हारी चिल्लर भी मुझे दे दो, मैं उसको पैसे बना के तुम्हें वापस दे देती। क्या बात है, क्या बात है। कल का बहुत बहुत बड़ा दिन है मेरे ख्याल से सारे कंटेस्टेंट्स के लिए, जो भी टॉप फाइनलिस्ट है, टॉप फोर है, उनके लिए तो जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, ऑन स्टेज, बैक स्टेज, डांसर्स, एवरीबॉडी। सो एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस अ सक्सेस। देखिए एक फैबुलस शो होने वाला है। फाइनली वो दिन आ गया, बहुत 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 एक्साइटमेंट है, क्योंकि कल के दिन हम लोग को पता चलेगा कि डीआईडी फाइनली डबल्स हम चारों में से कौन होने वाला है। मतलब सोच के ना एक्साइटमेंट इतना बढ़ रहा है कि कितनी बड़ी पब्लिक होगी, कैसे हम परफॉर्म करेंगे, क्या क्या होगा। अभी स्टेज पूरा प्रॉपरली बना भी नहीं है, तैयार भी नहीं हुआ है, जब ये बनेगा और सब कुछ फिनिशिंग हो जाएगी तो कैसा लगने वाला है, कितना बड़ा लगने वाला है। वो मंच जिसके लिए हर एक डांसर्स मतलब वेट करते हैं, कितने ईयर्स, कितने मेहनत करते हैं, और उस मंच के ठीक सामने आज हम लोग खड़े हैं। तो वी आर प्राउड कि, और हमारे साथ जो सब जो हमारे पीछे जो मेहनत कर रहे हैं वो भी कितने खुश होंगे कि एट लास्ट आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी तक डीआईटी डबल्स के मंच पे डांस कर चुके, पहली बार इतने बड़े डांस पे ऐसे आर्टिस्ट हम लोग डांस करेंगे, और इतने सारे क्राउड होंगे, और इन क्राउड के साथ इतना सारा शोर भी होगा, सब लोग चिल्लाते भी रहेंगे। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मजी सर ने बहुत अच्छी तैयारी की हमारे लिए, कुछ अलग हटके हम लोग करे जो हम लोग ने कभी डीआईडी सीजन में किया ही नहीं है। क्योंकि हैक्स हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही अलग है, बहुत ही एंटरटेन्ड है, बहुत ही प्रेजेंटेशन वाइज बहुत ही अच्छा, आपको जरूर पसंद है और आपको बहुत पसंद आए। हम लोग पूरे प्रिपेयर है कि हाँ अपना बेस्ट देंगे, और हाँ जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। सौरभ विवेक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मुझे लगता है कि वो एक टफ कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन क्योंकि हमने भी वाइल्ड कार्ड से एंट्री की है और अब तक खुद को प्रूव करते हुए आए हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ
कि हम ही जीतने वाले हैं और हम जिस पैशन की बात मैं उनमें कर रही हूँ वही पैशन हमारी परफॉर्मेंस में दिखाई देने वाला है। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि वो विनर रहे, हम लोग भी सोच रहे कि हम लोग भी विनर रहे, इसलिए दुआ करते हैं और आशा करते हैं कि हर एक ऑडियंस ने हमारे लिए वोट किया होगा। देखते हैं कि कौन विनर होता है, लेकिन हमारे लिए हम चारों बेस्ट है और चारों डीआरई डबल्स के विनर। हाँ, क्या पता कौन जीते, पर मैं अपनी तरफ से जाता हूँ कि सौरभ विवेक जीते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सबसे ज्यादा टेस्ट किया गया है इस पूरे सीजन के दौरान, सबसे ज्यादा वो कसौटी में उतारे गए। करण एंड आई रियली होप दैट अमित और फैलन जीते क्योंकि दे आर ऑनेस्टली द बेस्ट डांसर्स ऑफ द सीजन ऑफ द टॉप 4 राइट नाउ, सो वी रियली होप दैट दे विन। गुड लक फैलन। आई होप सौरभ विवेक विल विन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनलिस्ट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सो लक्स डीआईडी डबल्स में हम आपसे मिलेंगे कल, सो सी यू टुमारो इवनिंग, बाय, 8 o'clock।